हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कनौजिया ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड देख सकते हैं सुबह का बज गया है 11 और फ्रेंड अभी मैं बेडशीट चेंज करी। तो फ्रेंड ये बेडशीट अभी बिछा दी पर मुझे अभी सही से बिछानी है। और फिर ये हमारा रखा है पर्दा, ये रख पर्दा। तो फ्रेंड ये आज हम पर्दा लगाएंगे अपने इस एंगल में, देख सकते हैं गेट पर लगा देंगे। और फिर आज से घर की जो डेकोरेशन है वो हमारी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड पहले हम बेडशीट बिछा दें और धोने वाले कपड़े जो है धोने में रखाएंगे, भिगो देंगे जाके, और उसके बाद लगाएंगे हम ये पर्दा। और उसके बाद जो डेकोरेशन का सामान होगा वो डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड बच्चे अभी इस वक्त उठे हैं और बच्चे ब्रश व्रश करके बालकनी में हैं। तो फ्रेंड मैंने सोचा पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ और धोने वाला जो कपड़ा है वो सारा बाहर बालकनी में रख दूँगी या भिगो दूँगी जाके, और उन लोगों के लिए नाश्ता पानी रेडी कर दूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैं कैसे अपने घर को सजाती हूँ। तो फ्रेंड आज है छोटी दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ, और आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो और आप सभी का परिवार जो है खुश रहे। तो फ्रेंड चलते हैं हम लोग, ये पर्दा वर्दा लगा लेते हैं और बेडशीट चेंज कर लेते हैं और थोड़ा काम निपटा के मिलते हैं आपसे। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए हमारा ब्लॉग, डेली ब्लॉग। सो दोस्तों, हो चुके हैं हम काम और सुखेरी और ये खड़ा हुआ है मेरे साथ में कार्तिक। और हर जो गुस्सा है क्योंकि कार्तिक कह रहा है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा मौसी के घर पर, अब मुझे जाना है मम्मी के घर पर क्योंकि मैंने पर्दा ही किया था। वो पर्दा जो है थोड़ा बड़ा है, लटक रहा है, इस वजह से मुझे सिलाई करने के लिए जाना पड़ेगा। और वहाँ पे नानी भी, इस वजह से नानी से भी मुझे मिलना है। तो फ्रेंड कामों से बिल्कुल फ्री हो गए और आज बहुत कपड़े धोए फ्रेंड, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और मतलब उसके अलावा भी दरी वरी थी, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। तो फ्रेंड बालकनी में मैंने डाले नहीं है। और इधर बंदर आए हुए हमारे सारे निकल गए, बंदर नीम का पेड़ है देख सकते, बंदर निकल गए। तो फ्रेंड हर्षु गुस्सा हो रखा है, देख सकते हैं ना आप लोग कितना गुस्सा है। कह रहा है कार्तिक को अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं कार्तिक को इसको छोड़ के जाती हूँ तो भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है, मतलब तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार होता है। और आज मैं कार्तिक कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा, तो ये कह रहा है कि कार्तिक नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे फ़ोन दे दो। पर मैं फ़ोन इनको देना नहीं चाहती क्योंकि फ़ोन दे देते बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, नालायक हो गए, शैतान हो गए। अच्छा लग रहा है दोनों ने एक जैसा पहना, आसमानी आसमानी है ना। तो फ्रेंड जो मैंने डेकोरेशन किए वो आपको छोटा सा ब्लॉग में दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये लगा लिए, और जो गेंदे के फूल हैं नकली वो मैं लगाऊंगी यहाँ पे, है ना। और इधर लड़ी तो देख सकते हैं आप लोग, बाबू भैया ने लगा दी है लड़ियाँ। तो दोस्तों ये है हमारा किचन जो कि देख सकते हैं आप लोग, मैंने किचन के ऊपर लगा दिया है। ये ऐसी वाली जो गेंदे की माला है ना, ये मुझे मेन गेट पर भी लगानी है और रेलिंग पे भी लगानी है, जो कि हर तो तोड़ते जा रहा है। मैं पिटाई कर दूंगी, पिटाई कर दूंगी अगर तोड़ी तो, एक तोड़ चुका है। और ये जो है ये फ्रेंड हम 10 पीस लाए थे जो कि सारे इधर उधर किसी न किसी ने देख के पसंद करिए, और ये सारे पीछे और फिर लाइन अपने घर के लेती और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस के लिए लाए थे। तो फिर देख सकते हैं एक ये माला लग गई और एक ये लग गई, और फिर देख सकते हैं इसके ऊपर लगाइए जो झूमर। तो इतना सही डेकोरेशन हुआ है और बाकी जो है वो गेट से हम कल करेंगे, और फ्लावर पॉट वगैरह लगाने वही हम कल लगाएंगे क्योंकि अभी हम बिल्कुल फ्री हुए और हम अभी बिल्कुल मतलब भूख से व्याकुल हो रहे हैं और हर से भी भूखा है, किसी ने भी खाना नहीं खाया। तो फिर चलते रहे घर पर। इसमें है पर्दा जो कि देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर हमारे बैग के अंदर है ना। तो पर्दा ही हमें सिलने के लिए जाना है और पर्दा सिल के लेके आएंगे तब हम पर्दा लगाएंगे। कार्तिक अभी नहीं, तो फिर चलते हैं, देर ना करते हुए मिलवाएंगे आपको अपनी नानी से ताकि आप लोग बने रहेंगे। सो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे, और देखिए मेरी नानी बैठी हुई है। आज नानी आ गई क्योंकि फ्रेंड आज रेनू घर पे थी, काम वाम कर रही थी, इस वजह से आज नानी भी आ गई। और नानी का भी पलस्तर जो है 3-4 दिन बाद खुलेगा, मतलब दिवाली के 4-5 दिन बाद खुलेगा पलस्तर, क्योंकि अभी कसर है उसमें, इस वजह से डॉक्टरों ने मना कर रखा है। तो फ्रेंड इसी बहाने आज मेरे नानी से मिलने का भी मन कर रहा था, मैंने सोचा कोई बात नहीं आज घर पे ही तो वहीं चल के मिल लेंगे। उधर देख सकते हैं रेनू अपने फोन में लगी पड़ी हुई है, और मैंने जो है पर्दा भी बना लिया है। आई हो ना हमारे घर पर, यही हो ना। तो फ्रेंड देखो ये मैंने पर्दा भी सिल लिया है ना, इसको फोल्ड कर दिया मैंने, काटा नहीं है।
बढ़िया की फोल्ड कर दिया इसको, मैंने काटा नहीं है। दूध तो डेली देती है। कौन? कमता। हाँ तो ठीक, दूध पीन कर देते हैं, सेफ देते हैं। अच्छा, नहीं लाइट पा दूसरे तो फिर ना मैं मशीन रख रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग मशीन, इसको कर देती हूँ, फ्रंट फोन में रखती पहले। तो गाइस देखिए, मैं नानी की कंघी कर रही हूँ और उधर मैंने चाय चढ़ा रखी है और मेरा पर्दा जो है वो सिल चुका है। तो फ्रंट नानी कहने लगी थोड़ी सी कंघी कर दो, और नानी की जो कंघी है वो मैं कर रही हूँ। और नानी के बाल देख सकते हो मेरे कितने छोटे छोटे बाल है। तो फ्रेंड कार्तिक चला गया घर और नानी का पलस्तर कुछ दिनों में कट जाएगा। तो फ्रेंड अभी हमारी चाय बन रही है और नानी की कहा घर ना जाए। हर्षु कह रहा है फ्रेंड की घर जाएगा। तो फ्रेंड कर दिया नानी में क्या कली। गाइस नानी को, रेखा को नानी की सेवा करना बहुत पसंद है। नानी ने हमारी भी सेवा करी है। गाइस हम बचपन से हम नानी के पास रह के आए, तो नानी भी हमारी सेवा बहुत करती थी। हम छोटे छोटे थे, बाजार बहुत दूर लगता था, बाजार से कुछ भी बोलते थे वही लेकर आते थे। दोस्तों ये देखिए हमारी चाय बन रही है। अपने ने सरसों का तेल निकाला था मैंने सर में लगाने के लिए, जो कि मैंने देखिए नानी सोला उड़ रही है। चिंगम ली आती थी नानी मेरे लिए, चिंगम ली आती थी, हमें चिंगम बहुत पसंद थी। और इधर मैंने तेल रख रखा जो कि मैं भी सर में लगाने वाली थी। और उधर हर्षू जो है घर के लिए निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग गेट पे खड़ा हुआ। हर्षू अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, अंदर आ जाओ जल्दी। तो दोस्तों देखिए इधर हमारी चाय बन रही है, अब हम जाएंगे चाय पियेंगे। तो दोस्तों अब हमारा चाय पानी हो चुका है और मैंने ऑयलिंग भी कर ली अपने बालों में, देख सकते हैं मैंने जूड़ा बनाया है। सरसों का तेल जो था हमारा गांव का वो लगा लिया है और देख सकते हैं इधर हमारी नानी बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड शाम का बजने वाला है 6, तो आई होप ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ अच्छा और कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय गाइस, गुड नाइट।